नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विकास के बाद सरपंच के साथ कार्यक्रम को लेकर आज हम जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया सरपंच दौलत बिसेन, सचिव विनोद माहुरकर, सहायक सचिव गायत्री हनवत द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा मद से 50 मेड बंधान कार्य, लागत राशि 20 लाख रुपए, मनरेगा मद से मीनाक्षी तालाब निर्माण और लघु तालाब निर्माण 10, लागत राशि 30 लाख रुपए, पशु अवरोध खंतिया लागत राशि 50 लाख रुपए, सार्वजनिक तालाब जीर्णोद्वार 4 लागत राशि 25 लाख रुपए, मनरेगा सहित 14 और वित्त से खेत सड़क निर्माण 2 लागत राशि लगभग 20 लाख रुपए, मनरेगा सहित 14 और वित्त से शीशी सड़क निर्माण 7 लागत राशि लगभग 20 लाख रुपए, मनरेगा सहित 14वां वित्त से स्टाप डैम निर्माण 2 लागत राशि लगभग 12 लाख रुपए, मनरेगा सहित 14वां वित्त से चबूतरा और बाउंड्री वॉल निर्माण लागत राशि लगभग 2 लाख रुपए, जिला सह जनपद पंचायत मद से 3 सभा मंच निर्माण लागत राशि लगभग 5 लाख रुपए, जनपद पंचायत निधि से स्ट्रीट लाइट लागत राशि लगभग 3 लाख रुपए, पंचायत मद से पेयजल योजना कार्य लागत राशि लगभग 12 लाख रुपए, 100 मीटर सीपीटी नाली निर्माण लागत राशि लगभग 3 लाख रुपए, मनरेगा मद से नहर सफाई कार्य 2,50,000 रुपए, प्राथमिक शाला माध्यमिक पाठशाला में गेट और बाउंड्री वॉल निर्माण लागत राशि 5 लाख रुपए, समस्त कार्य सरपंच सचिव सहायक सचिव की सहमति से करवाए गए। विकास के बाद सरपंच के साथ कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंचे हैं खैरानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया में और हम वहां से जानना चाहेंगे सरपंच द्वारा 5 वर्षों कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी। तो महोदय जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं दौलत सिंह सेन, ग्राम पंचायत पिपरिया, विकास खैरानी, जिला वाला। हाँ सर जी, ये बताइए कि आपने 5 वर्षों कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य करवाए? विकास कार्य तो बहुत है जी, अब थोड़ा सा बारीकी से सोच के ही बताना पड़ेगा। काम इतने हो गए कि बताने में थोड़ा सा जी अपने जितने काम लिखे हैं उतने काम बोल। अब जैसे शुरुआत में मनरेगा से दो रोड बनी है जी, उसको कंप्लीट किए हैं। अब दो रोड कम से कम फिर भी अंदाजन 10 लाख के ऊपर की है और उसके बाद तालाब जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देखे कि पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो गांव में तालाब रहना ज़रूरी है, इसलिए तालाब का मतलब कुछ नए तालाब, एक नया तालाब बना है और 3 तालाबों का जीर्ण उद्धार किए, इसमें भी कम से कम 25 से 30 लाख तक की राशि मनरेगा से खर्च किए हैं, जिससे कि हमारे मजदूर वर्ग हैं पलायन हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए उनको भी काम हमने दिया है। उसके बाद 4 तालाब तो ये हो गए, उसके बाद पशु अवरोधक खंती जो है लेबर प्लान न हो करके कम से कम 7-8 क्लियर करवा के हमने पशु अवरोधक खंती बनाए हैं, जो कम से कम 50 लाख से ऊपर का काम है ये मनरेगा से हुआ है। और उसके बाद फिर जैसे हितग्राही मूलक काम हमने कम से कम इस गांव में 40 से 50 मेड़ बंधान करवाए हैं, 10 से 12 मीनाक्षी और लघु तालाब, ये भी मनरेगा से हितग्राही मूलक ये काम ये कराए हैं। और फिर बाकी पक्के काम भी करवाए हैं, जैसे नाला पथ उपचार में भी हमने बहुत से नाला सफाई में भी मनरेगा से 10-20 लाख का काम वो करवाए हैं। और पक्के काम में नाले में 2 स्टॉप डैम बनाए हैं, जिसकी लागत कम से कम फिर भी 15-17 लाख की है, 2 स्टॉप डैम वो तैयार हुए हैं। और ग्राम पंचायत पिपरिया एवं माध्यमिक प्राथमिक शाला के आसपास बाउंड्री वाल बनाए हैं, मनरेगा प्लस 14 वित्त से
ये कम से कम 5-7 लाख की राशि इसमें खर्च की है। मैदान स्कूल के आगे पीछे समतलीकरण मुर्मीकरण मतलब इसको भी सुरक्षित करने के लिए इसमें भी 3-4 लाख रुपए खर्च किए हैं। स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल प्लस 2 गेट भी 14 फीट और मनरेगा की सहायता से वो भी किए, जिसकी लागत कम से कम फिर भी 5-7 लाख है। स्कूल के आसपास नाली पक्की नाली बनी है, उसमें भी 3 लाख से ऊपर का काम वो भी किए हैं। गांव में 7-8 मतलब सीसी रोड हर मोहल्लों में जहाँ जहाँ अति आवश्यक है वो सीसी रोड बनी है, जिसकी लागत कम से कम 25-30 लाख रुपए है जी। और परफॉर्मेंस राशि की राशि जिला पंचायत और जनपद पंचायत से 3 सभा मंच बने हैं, स्ट्रीट लाइट बनी है और उसके बाद 14 फीट और मनरेगा की सहायता से एक चबूतरा निर्माण और तालाब में कटाव हो रहा था, कटाव में बाउंड्री वॉल बनी है, भरण का कार्यक्रम किया गया है, सौंदर्यीकरण वहाँ की गई है, उसमें कम से कम 5-8 लाख रुपए खर्च किए हैं। और पंचायत की राशि 14 फीट से इस गांव में पेयजल की समस्या भारी थी, कई बार हमने नल जल के लिए प्रस्ताव भेजे पर समय पे नहीं हो पाई। और पानी की समस्या को देखते हुए, क्योंकि पानी तो ऐसा है, छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, आबादी ज़्यादा हो या कम हो, पानी देना तो क्या आवश्यक है, इनको इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हर मधु से काट काट करके पंचायत फंड से 14-20 से यहाँ पेयजल के लिए नल जल की योजना की है। और जो वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसी जैसी राशि आई नियमों का पालन करते हुए और सबको पानी दिया जा रहा है डायरेक्ट।